हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश और मेरे चैनल का नाम है गणेश मेडिसिन प्रिंट। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा माई फेयर क्रीम के बारे में, जानेंगे इसके यूजेज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आगे भी मेडिसिन से रिलेटिव ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, माई फेयर क्रीम को जी लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी मार्केटिंग करती है, जिसका MRP 195 रुपीज़ है। जिसकी वैलिडिटी की बात करें 24 मंथ होती है फ्रेंड्स, या 20 ग्राम में आती है फ्रेंड्स। या क्रीम पूर्णतः मेडिकेटेड है, जो सभी मेडिकल स्टोर एवं ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन 2%, ट्रेटिनाइन 0.025%, मोमेटासोन फ्यूरियर 0.10% इसमें मिला हुआ है। फ्रेंड्स, इन तीनों कंपोजिशन के अलग अलग कार्य जान लेते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन का कार्य त्वचा को काला करने वाला मेलानिन पिगमेंट को कम करके त्वचा को ब्लीच करता है, जिससे त्वचा पर लाइट ग्लो निखार आ जाता है। ट्रेटिनाइन का कार्य, ट्रेटिनाइन विटामिन ए का एक रूप है या रेटिनॉइड नामक दवाओं का एक समूह से संबंध रखता है। यह आपके फेस से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, डार्कनेस, एक्नी, पिंपल के ब्लैक स्पॉट, ब्लैक हेड्स, अंडर आई मार्क, ब्लेमाइसेस आदि को रिमूव करता है। मेमेटासोन फ्यूरियट या एक कार्टिकोस्टेरॉइड है, जो त्वचा कोशिकाओं के अंदर कार्य करके काम करता है और शरीर में कुछ रासायनिक संदेश वाहिकों को आने से रोकता है और चेहरे पर होने वाली लालीपन, खुजली और सूजन के कारण को ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, इस क्रीम के यूज लगाने के बीच जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को नाइट में यूज करना है, दिन में इस क्रीम का यूज बिल्कुल ना करें। इस क्रीम को फेस पे लगाने से पहले अपने फेस को पानी से धो लें और फेस को सुखा लें। फिर थोड़ी सी क्रीम हथेली पे निकाल लें और एक अंगुली से अपने फेस पे अप्लाई करें 5 मिनट के लिए, जिससे क्रीम आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसी अवस्था में लगा रहने दें पूरी नाइट। मॉर्निंग होते ही किसी मेडिकेटेड फेस वाश या माई फेयर फेस वाश से अपने फेस को धो लें। फ्रेंड्स, इस क्रीम को जब तक यूज करें तब तक अपने फेस को सूर्य की किरणों से बचाएं। और अगर आप घर पर रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप धूप में निकलती हैं तो फ्रेंड्स, धूप में निकलने से पहले अपने फेस पर सन स्क्रीन लोशन लगा के निकलना है, जिससे आपकी फेस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस क्रीम को सूर्य से एलर्जी है। फ्रेंड्स, इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो इस क्रीम से आपके फेस पर जलन, खुजली, रेडनेस, लाल लाल चकते, चेहरे पर लाल लाल दाने आदि प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी सिम्टम्स देखें तो इस क्रीम को तुरंत लगाना बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ले लें।